देखो ये कितना अच्छा वेट ट्रांसफर हुआ है, मिडल हुआ है, सारे अलाइन थी चीज़ें। अब वेरी गुड पुल शॉट, ये पहले जो आप माइंड पहले बनाया था उस वक्त नहीं ये लगी थी, ये जब बेसिक सही है उस वक्त लग जाएगी। ये अच्छी शॉट खेली है, शाबाश, ब्यूटीफुल शॉट। ये क्यों हुआ है, मिडल चेक करो, आवाज़ उसकी सुनो कैसी है, क्यों हुआ है? हाँ हाँ, फोकस कर रहे हो, जब बॉल आया है जहाँ आया है वहाँ वेट ट्रांसफ़र कर दिया है भाई, ये सिंपल है। अभी इसी तरह पीछे गेंद गिरेगा उस पर पीछे वेट चला जाएगा, पुल अच्छी लग जाएगी। शाबाश, ठीक है ठीक है, ये तेज़ आया, अच्छा बॉल है, जगह थोड़ी है। शॉट, गुड शॉट, हेड स्टिल है और ये टांग इस तरह नहीं है, ऐसे आ रही है, टाइम मिल रहा है। शाबाश, हेड स्टिल है, शाबाश। ये देखो मैं कहाँ खेल रहा हूँ, मैं पाँव ही नहीं आगे ले गया जब तक कि गेंद आगे नहीं, उधर नहीं आएगा, जब इधर आएगा मैं छोटे ही रहूँगा। ये कहाँ खेल रहा हूँ मैं, इसके नीचे, ये देखो कहाँ खेल रहा हूँ, फोर्स जा रही है, बल्ला कहाँ से आ रहा है, बल्ला पीछे से आ रहा है। ये देखो ये चौके हैं, ठीक है, वेल डन, वेरी वेल डन, दो चौके हो गए हमारे, 9 runs ओवर में हो गए। ये देखो मैंने क्या किया, पीछे बॉल गिरा, मैं ये है, इससे क्या टाइम मिलेगा, ये हाथ मेरे एक्सटेंड हो गए, है ना। गुड, वेरी गुड, गुड, ये जितना अच्छा वेट बैलेंस और बॉल को लेट खेलेंगे, हाथ से जब निकलेगा तब मूवमेंट करें, वो उतनी ही अच्छी बेसिक्स होंगी, उतना ही अच्छा ये बॉल को गैप में खेलेंगे और कंट्रोल से खेलेंगे, अपनी मर्ज़ी से खेलेंगे। तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा काम करें साथ साथ अपना, जब तक मैच में जाएं जो इनकी नेचुरल गेम है वो खेलते रहें, लेकिन साथ साथ हमारा ये है कि हम बेसिक्स पे भी काम करते रहें, इनको गैप में खेलने का पता चल जाए, हाथ से बॉल निकल रहा उसको देखें, वेट करें। अभी हमने आफ्ताब भाई के साथ मिलके जो इनको प्रैक्टिस करवाई है उसमें काफ़ी बेहतरी आई है, कि जो हमारी बेसिक्स हैं, पुल कब मारनी है, ड्राइव कब मारनी है, उस पर वेट ट्रांसफ़र बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये मेरे ख्याल एक अच्छा हमारा सेशन रहा है, इंशाल्लाह आगे भी जो सेशन होंगे उस पर हम कोशिश करेंगे कि इनके साथ ऐसे ही काम करें, ताकि T20 क्रिकेट में भी बहुत फ़ायदा हो और आगे से पाकिस्तान को भी फ़ायदा।